1960 का दशक, शहर चेन्नई। 13 साल की एक मासूम सी बच्ची सड़क किनारे आइसक्रीम खा रही थी कि अचानक किसी ने उसकी बाहें खींची और ले गया एक भीड़ की तरफ, जहां एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। दो शॉट्स के बीच मिले छोटे से ब्रेक को आइसक्रीम ब्रेक बनाने वाली वो नन्ही सी हीरोइन थी आज की टाइमलेस ब्यूटी, मिस्टीरियस दीवा रेखा। मशहूर एक्टर जेमिनी गणेशन और एक्ट्रेस पुष्पावली की बेटी भानु रेखा ने अभी होश भी नहीं संभाला था कि पिता परिवार से अलग हो गए। माँ बीमारी से जूझ रही थी और घर लाचारी से। मजबूरन रेखा को फिल्मों में काम करना पड़ा। लेट 60s की बात है, चेन्नई में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे एक्टर बिस्वजीत की नजर रेखा पर पड़ी और रेखा को मिल गई अपनी पहली हिंदी फिल्म अनजाना सफर। मगर इस फिल्म की शूटिंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगा कि रेखा का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। लेकिन उन्हीं दिनों मशहूर प्रोड्यूसर मोहन सहगल ने एक पार्टी में उन्हें नोटिस किया। पहली ही रिलीज सावन भादो सुपरहिट साबित हुई, पर रेखा की तकदीर नहीं बदली। अपने सांवले रंग और कमजोर हिंदी की वजह से रेखा को छोटे रोल्स में ही कास्ट किया जा रहा था। एक अनजान शहर में अकेली उदास रेखा अक्सर घर जाने को छटपटाती। जिंदगी रोज नए रंग बदलती क्यों है? पर रेखा में जैसे कोई जादुई सी बात थी। 1976 दो अनजाने में अमिताभ बच्चन की लालची और खुदगर्ज बीवी के किरदार में नजर आई एक बिल्कुल अलग रेखा। साफ हिंदी बोलती, आत्मविश्वास से भरी खूबसूरत रेखा का जैसे एक नया जन्म था। बुलंदियों की सीढ़ियां चढ़ती रेखा और अमिताभ की रोमांटिक जोड़ी सिल्वर स्क्रीन पर राज करने लगी। 1980 रेखा के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। चुलबुली शरारती मंजू के किरदार में खूबसूरत के लिए फिल्म फेयर अवार्ड और अगले ही साल नजाकत भरी उमराव जान के लिए नेशनल अवार्ड ने रेखा को हर प्रोड्यूसर की पहली पसंद बना दिया। पर फिर एक दौर आया जब उनकी ज्यादातर फिल्में फ्लॉप होने लगी। लगा रेखा नाम का सितारा हमेशा के लिए बुझ जाएगा। तभी उन्हें उनके दोस्त राकेश रोशन ने एक छोटी सी फिल्म ऑफर की। खून भरी मां ना सिर्फ सुपरहिट साबित हुई बल्कि इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा की हीरोइन की छवि ही बदल दी। इस रोल के लिए फिल्म फेयर अवार्ड के साथ रेखा के करियर की रेखा फिर से चमक उठी। अपनी निजी जिंदगी में एक खामोश पहेली सी रेखा आज भी जब पर्दे पर नजर आती है तो चाहने वालों के दिलों में एक धुन खुद ब खुद अंगड़ाई लेती है।